हेलो वेलकम फ्रेंड्स, ये हमारी यूट्यूब चैनल जिया फिल्म और आप सभी का स्वागत है। और हम आपको मिलाने वाले हैं सलीम मामू से, सलीम शाह जिनका नाम है, मगर प्यार से लोग इन्हें सलीम मामू कहते हैं। और बहुत सालों से ये कुसुम्बा के राजकारण में सक्रिय है, चाहे वो पंचायत का इलेक्शन हो, तालुका पंचायत, जिला पंचायत, लोकसभा हो, विधानसभा इलेक्शन हो, हर इलेक्शन में इनका कोई ना कोई इम्पोर्टेंट रोल रहता है। तो चलिए सीधे बात करते हैं सलीम मामू से। सलीम मामू, कैसे है तबीयत पानी? फर्स्ट क्लास माशाल्लाह, अच्छा है। और कब से आप कुसुम्बा के राजकारण में हो? मैं कुसुम्बा के राजकारण में 1990 से हूँ, और राष्ट्रीय राजकारण और गुजरात प्रदेश सत्र का राजकारण हो, मैं इंडिया लेवल के से लेके तो कुसुम्बा गांव तक के राजकारण में सक्रिय हूँ। आपको कौन से मुद्दे मिले हैं? जैसे कि हम जानते हैं कि समाज, आपका जो समाज है सा समाज, उसके अंदर भी आपके पास कोई ना कोई होता है, तो अभी तक आपके पास कौन से होते रहे हैं? या तो चाहे कोई पंचायत का हो या जो कोई पार्टी का हो, कौन से होते रहे बताइए हमारे। जी, मैं 1990 में जब राजनीति में आया, जाहिर जीवन में आया, तो मरहूम हाजी रिजवान उस्मानी साहब मुझे कांग्रेस पार्टी के अंदर लेके आए और मेरे पॉलिटिकल गुरु थे वो, और उन्होंने जब से मुझे राजनीति में लेकर आए तो आज तक मैं कांग्रेस पार्टी के लिए काम करता रहा हूं। और मैं फर्स्ट चुनाव कुसुम्बा ग्राम पंचायत के वार्ड सभ्य का 1995 में मैंने लड़ा था, और मुझे उस समय पराजित हुआ था, मैं मेरी जीत नहीं हो सकी थी। और उसके बाद मैंने 2006 में यास्मीन बेन की पैनल में से वार्ड सभ्य में दोलिया के ऊपर से उम्मीदवारी की थी, माशाल्लाह उसमें भी मुझे जीत हासिल हुई थी। और 2011 में स्वर्गीय दिनेश भाई माली सरपंच श्री की पैनल में मैंने मुस्लिम सोसाइटी और ईदगाह पढ़िए के 90 वोट उसके अंदर आते थे, वो वार्ड में से भी मैंने उम्मीदवारी की थी और मुझे जीत हासिल हुई थी। उसके बाद मैंने कुसुम्बा ग्राम पंचायत के सरपंच के अंदर अपक्ष उम्मीदवारी की थी और मुझे 512 वोट मिले थे अपक्ष उम्मीदवार में। और मेरे पास पॉलिटिकल होद्दों में मैं अभी फिलहाल में अपने ऑल इंडिया कांग्रेस गांधीवादी संगठन के, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रवीण पाटिल जी है, उन्होंने मुझे भाई दूज के दिन ऑल इंडिया राष्ट्रीय कांग्रेस गांधीवादी संगठन का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया है। और मैं सा समाज फाउंडेशन ऑफ इंडिया का गुजरात प्रदेश का वाइस प्रेसिडेंट हूँ, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह साउथ गुजरात सा दीवान समाज ट्रस्ट का कारोबारी मेंबर हूँ, और मैं साउथ गुजरात मुस्लिम सेवा दल का भी अध्यक्ष हूँ। ये मेरा पूरा राजकीय ये है, मेरा सफर है और मैं यहाँ तक आज तक पहुँचा। माशाल्लाह, बहुत अच्छा आपका राजकीय सफर है और आगे भी इस तरह से आप अपना सफर करते रहे, ऐसी हमारी दुआ है। अब हम आपसे पूछने वाले हैं, जो हमारे गांव में अभी कुसुम्बा का इलेक्शन आने वाला है, तो इस इलेक्शन को आप अपने किस नजरिए से देख रहे हो? अभी जो कुसुम्बा ग्राम पंचायत का इलेक्शन जो 2021 के एंडिंग में आने वाला है कुछ ही दिनों के अंदर, उसके अंदर इस इलेक्शन को मैं इस नज़रिए से देखना चाहता हूँ कि लोगों के जो पेंडिंग काम है वो काम हो। और मैं इस इलेक्शन को जो नज़रिए से देखना चाहता हूँ, वहाँ तक का मेरा जो खुद का अनुभव है, तो मैं इस ये जो आप यहाँ पे मुझसे आज बात कर रहे हैं, मेरा इंटरव्यू ले रहे हैं, ईदगाह फड़िया वार्ड से यहाँ के लोकल लोगों ने, यहाँ की बस्ती वालों ने, कम से कम 80% लोगों ने, नौजवान हो चाहे सीनियर लीडर हो चाहे मेरी माता बहना हो, सब ने मिलके मुझसे ये आग्रह किया है कि आप एक बार, सिर्फ एक बार इस वार्ड से उम्मीदवारी कीजिए। फिलहाल मैं ये वार्ड से वार्ड नंबर 3 से मेरी वाइफ को खड़े रखना चाहता हूँ। माशाल्लाह, आपका सफर ऐसे ही जारी रहे। और हमने जहाँ तक देखा है, जहाँ तक हम जानते हैं कि जो ईदगाह के जो बच्चे हैं, जो नौजवान लोग हैं, वो आपको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। माशाल्लाह, बहुत अच्छी तादाद में आपको सपोर्ट मिल रहा है और ऐसे ही आपको सपोर्ट बना रहे। अब हमारा इम्पोर्टेंट सवाल है कि
जब से इलेक्शन क्या प्रथा चलती आई है तब से लेकर कुसुम्बा आज तक कौन से लेवल पर है? क्या आज जहाँ पे कुसुम्बा है वो सही है या ये कुसुम्बा आगे लेवल पे होना चाहिए था? आज तक जो इलेक्शन की प्रथा चलती आई है वो बात आपने जो बहुत इम्पोर्टेंट सवाल पूछा बिल्कुल सही बात है। जहाँ आज कुसुम्बा होना चाहिए था वहाँ नहीं है मेरी दृष्टि से। जिस हिसाब से कुसुम्बा गांव का डेवलप होना चाहिए था, जिस हिसाब से कुसुम्बा गांव का विकास कार्य होना चाहिए था और जिस हिसाब से कुसुम्बा के अंदर कांग्रेस के और बीजेपी के दिग्गज लीडर रहते हैं, तो वो दिग्गज लीडरों का जो पॉलिटिकल और राजकीय सेवा का लाभ जो यहाँ की प्रजा को मिलना चाहिए था उतना नहीं मिलना है, मेरा खुद का ऐसा है। मेरा राजनीतिक करियर के अंदर मैं जो मेरी वरिष्ठता है और मैंने जिस हिसाब से लोग काम किया है उस हिसाब से इतना तो काम नहीं हुआ है, इसको और आगे ले जाने की, विकास की और आगे ले जाने की कुसुम्बा को जरूरत है। तो अगर मान लीजिए कि कोई भी पैनल आती हो बराबर, तो उनको आगे क्या कौन सा काम पे ज्यादा फोकस करना चाहिए, कुसुम्बा में क्या चीज की कमी है कि उस चीज पे काम करके कुसुम्बा को एक अच्छे लेवल पे ला सकते हैं? पहले तो कुसुम्बा को कोई भी पैनल आए, कोई भी सरपंच आए जीत के, तो उसको सर्वप्रथम तो ऐसी प्राथमिकता देनी होगी कि कुसुम्बा के अंदर एक कुसुम्बा मिनी भारत है। कुसुम्बा के अंदर हर किस्म के हर तबके के लोग रहते हैं और कुछ लोग बेचारे ऐसे होते हैं जो जो रोजमर्रा के ऊपर अपना जीवन गुजारते हैं, तो उन लोगों के लिए एक ऐसा सेंटर या एक ऐसा कोई जोनल ऑफिस खोलना चाहिए कि जिनके रोजमर्रा के काम है, छोटे मोटे काम जैसे कि मांगरोल तालुका पंचायत का काम हो, मामलातदार के अंदर रेशनिंग कार्ड का काम हो, या फिर कुसुम्बा पंचायत के गटर पानी रास्ते या कुछ अन्य चीज के काम हो, तो उस चीज को प्राथमिकता देने के लिए एक जोनल ऑफिस होना बहुत जरूरी है ताकि लोगों की समस्याओं का समाधान तुरंत आ सके। ये आपकी बहुत अच्छी सोच है। ये चीज जब हमारा इलेक्शन होगा जो भी कोई सरपंच आएगा तो उस तक ये बात पहुंचेगी बराबर, और आप खुद भी उस वक्त एक सभ्य होंगे, हार जीत अल्लाह के हाथ में है, मगर हमारे जो है हमारा जो आपने जिस तरह से कहा कि कुसुम्बा जो है मिनी भारत है, यहाँ पर हर कौम के लोग रहते हैं, हिंदू हो मुसलमान हो हर कौम के लोग रहते हैं और बहुत अच्छे भाईचारे से रहते हैं, और बहुत से लोग ऐसे भी होंगे जो अभी इलेक्शन में खड़े रहेंगे, जो अब अलग अलग वार्ड से खड़े रहेंगे, वो उसमें कितने हिंदू होंगे कितने मुसलमान होंगे, मगर जब उनके साथ चलेगी पब्लिक तो वो तब ये नहीं देखा जाता है कि ये कौन सा ही जात का उम्मीदवार खड़ा है, ये हमारा कुसुम्बा का एकदम प्लस पॉइंट है। ठीक है, अब हमारा सवाल दूसरा ये है आपसे कि आज कुसुम्बा में आपको लगता है कि थोड़ा बहुत कुछ क्रिमिनल ऑफेंस बन चुके हैं थोड़ा बहुत? हाँ लगता है थोड़ा बहुत, क्या मेरे हिसाब से 10% के ऊपर बढ़ चुका है, उसके ऊपर भी हमको सामना चाहिए। जो भी कोई पार्टी का, जो भी कोई सोच का, जो भी कोई विचारधारा का सरपंच हो, चाहे तालुका पंचायत के मेंबर हो, जिला परिषद के मेंबर हो या ग्राम पंचायत के मेंबर हो, इन सब की एक समन्वय समिति बनाना चाहिए और सबको मिलकर के ये जो क्रिमिनल सतर बढ़ रहा है उसको अंकुश लाने की जरूरत है। और जो है एक और चीज कुसुम्बा के अंदर हम लोग देखते हैं, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ ये सब चीजें सरपंच या सभ्य ही करेंगे, मगर एक जब हम एक सभ्य को चुनते हैं एक सरपंच को चुनते हैं तो क्यों उनको चुनते हैं कि हमारी कोई छोटी समस्या हो बड़ी समस्या हो उन समस्याओं के समाधान उनके थ्रू हो सकते हैं, जरूर नहीं कि वही करेंगे, मगर उनके हाथ में थोड़ी बहुत सत्ता होती है। तो उसी हिसाब से मेरा एक सवाल ये है कि कुसुम्बा में आज बेरोजगारी का डर भी है कि आज थोड़ा बेरोजगारी बहुत ज्यादा है, बच्चे बहुत से देखे हमने कि जिनके पास कोई काम धंधा नहीं है, जो अच्छे है मतलब में कमाई नहीं है उनकी, तो उनके ऊपर क्या सरपंच के पास में ऐसा कुछ पावर रहती है कि कुछ थोड़ा भी उनको कुछ इंक्रीमेंट मिल सके? जी जरूर, बहुत संवेदनशील सवाल पूछा आपने। उसके अंदर सरपंच से लेके तालुका पंचायत के मेंबर से लेके इनके पास 100% पावर तो नहीं रहता, लेकिन जो ये लोग इनकी इमेज से जो इंडस्ट्रीज एरिया है
इंडस्ट्रियल एरिया के जो भी उद्योगपति है उनके साथ कमेंट करके या उनके साथ मीटिंग करके या उनके साथ यहाँ से इंडस्ट्रीज एरिया के अंदर यहाँ से कई हजारों ट्रक आती है जाती है माल लोडिंग करके, तो उनके उद्योगपति के साथ ये लोग जितने भी चुटाए हुए मेंबर सरपंच जो भी है एमपी एमएलए वो लोग और सरपंच लोग मिलके एक मीटिंग करके इतना तो तय कर सकते हैं कि भाई हमारी यहाँ की कोसंबा की बस्ती के अंदर हिंदू मुस्लिम नौजवानों को जो आज बेरोजगारी की समस्या सता रही है, तो आप लोग इसके अंदर से कुछ परसेंटेज बच्चों को और कुछ परसेंटेज बेरोजगारों को आप अपने इस इंडस्ट्रीज के कंपनी के अंदर नौकरी देने की या दिलाने की कुछ ना कुछ तो जोगवाई कर सकते हो, उतना तो कर सकते। हाँ तो अब मैं ये पूछ रहा था आपसे कि कोसंबा में एजुकेशन तो माशाल्लाह बहुत अच्छा है, मतलब हर कौम का लड़का पढ़ लिख रहा है, और जैसे अभी हमने बेरोजगारी की बात की तो इसको आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि किस तरह से हमारे यहाँ के जो नेता जो पॉलिटिक्स के लोग हैं वो इस तरह से हमारे जो नौजवान जो बच्चे हैं उनको एक रोजगारी के लिए एक सबक बन सकते हैं। और हमारा एक सवाल ये है कि आज कोसंबा में गंदगी है, ठहर हम देखते हैं कोसंबा में गंदगी है, हम किसी पे ब्लेम नहीं कर रहे हैं क्योंकि ये चीज पब्लिक की भी जिम्मेदारी है, जरूरी नहीं है कि कोई वार्ड मेंबर हो या सरपंच हो उसकी जिम्मेदारी है, सबसे पहले तो ये पब्लिक की जिम्मेदारी है। क्योंकि सरपंच जो भी हमारी पंचायत के अभी तक हमने देखे काम थोड़े अच्छे भी है कि भाई उन्होंने एक ट्रैक्टर चालू किया है, घर घर तक ट्रैक्टर जाता है, अपना कचरा उसमें डालो, थोड़ा ये सब तो होता है, मगर फिर भी हमारे कोसंबा के अंदर जो गंदगी है उसकी वजह से कई कितनी बार बीमारियां फैलती है, ये होता है, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? गंदगी के बारे में तो जैसे कि हम और आप जानते हैं कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी जो स्वच्छता अभियान को लेकर वो खुद भी गंभीर है, इसलिए मेरा मानना यहाँ तक है और मेरा अनुभव जो है तो यहाँ के सरपंच और वार्ड मेंबर और पंचायत की जवाबदारी में यह आता है कि अगर गंदगी बढ़ती है तो जो तो जेते एरिया के लोग हैं तो अपना घर के सामने अपना आंगन स्वच्छ रखेंगे तो मोहल्ला स्वच्छ होगा, मोहल्ला स्वच्छ रखेंगे तो गांव स्वच्छ होगा, लेकिन अगर इसके बारे में गंदगी को अगर दूर करना हो तो एक प्री प्लान ये है कि जो भी चुटाए हुए प्रतिनिधि है और जिसके अंदर में ये आता है सरपंच और पंचायत के अंदर, तो एक जन जागृति कार्यक्रम चला, जैसे कि पहले जमाने के अंदर बवाई होती थी और नाटक नृत्य की वजह उसकी वजह से लोगों के अंदर एक पैगाम दिया जाता था, और उस वजह से आज तो सोशल मीडिया का जमाना है, तो एक कोई ऐसी ऐप बनाई जाए, कोई ऐसा माध्यम बनाया जाए और लोगों को जागरूक किया जाए कि भाई गांव को और मोहल्ले को किस तरह से सोच रहा है। ये आपकी सोच अच्छी है, तो अभी मैं आपसे सीधा डायरेक्टली आपसे ये सवाल पूछने वाला हूँ कि जो आपने बोला है अभी तक बराबर, अब अगर मान लीजिए कि आप ये जो अपने जो वार्ड नंबर 3 में से जहाँ आपके घर से उम्मीदवारी होने वाली है, तो अगर आप जीतते हो, इंशाल्लाह आप जीते, हमारी दुआ है आप जीते, आप जीतते हो, तो क्या ये सब चीज़ को आप अपने एरिया में अमल में लाओगे? ये सब चीजों को एरिया में अमल में लाने की मेरी प्रथम प्राथमिकता होगी, और दूसरी बात कि मैं नहीं बात करता, हम यानी हम यहाँ के जितने भी लोग हैं हम सब मिलके मेरे काम को तो इंशाल्लाह 100 में से 80 लोग जानते ही हैं, और मैं मेरी बात नहीं करता, आज एक पंचायत का सतर का काम हो, तालुके का हो या मांगरोल का हो या किसी की रजवात हो, मीटर का काम हो, पानी का हो, दाखले का हो या किसी भी किस्म का काम, वो कोई आदमी मेरे पास कोई काम लेके आया हो तो अभी तक मायूस नहीं गया है, और कई लोगों को तो मैं सामने से जाके पूछता हूँ कि आपको कुछ काम है, और मेरी एक प्राथमिकता ये रहेगी कि मैंने ये जो जो चीज आपको बताई अभी और जो जो मैंने मेरी सोच का आपके सामने विचार मेरे जो रखे उस चीज को प्रथम प्राथमिकता होगी कि मैं इसको लाने की कोशिश। ये बात सलीम मामू ने एकदम सही कही, अभी थोड़े दिनों पहले इज्जत पल्ले में जो है लो वोल्टेज का मसला था, इन्होंने कुछ जाके ने बहुत मेहनत की और इन्होंने
एक यहाँ पे नया ट्रांसफार्मर लगवाया, जीबी के साथ बातचीत करके ने इन्होंने एक काम किया है जो अपने मोहल्ले में किया है। तो जैसा कि हम सब जानते हैं कि सलीम मामा अपने मोहल्ले के लिए और स्पेशली जो है इनके जो जो भी इनके हाथ में है उनसे बन सकता है वो हर काम करने के लिए वो हमेशा तैयार रहते हैं, पब्लिक के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो सोच लीजिए अगर आप इनको अपना वार्ड मेंबर चुनते हैं तो कितना फायदा होगा आपसे, जब बिना वार्ड मेंबर के जब इतनी भागदौड़ में अकेले अपने एरिया का काम कर सकते हो, तो आप अगर उनको अपना वार्ड मेंबर बनाएंगे तो आपका कितना काम होगा। तो सलीम मामा, और एक लास्ट सवाल हमारा आपसे ये है, आपने सब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया कि कुसुम्बा कहाँ है, आपका जो भी कचरा गंदगी का प्रॉब्लम है वो सब आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। अब अभी जो आने वाला इलेक्शन है उसके अंदर से आपको क्या लगता है कि कैसे उम्मीदवार को खड़ा रहना चाहिए और कैसे पब्लिक को किसको वोट देना चाहिए, आप जनता से क्या कहना चाहेंगे, जो हमारी कुसुम्बा की पब्लिक है उससे क्या कहना चाहेंगे कि कैसे उम्मीदवार को आप अपना वोट दें? मैं आपके यूट्यूब चैनल के माध्यम से कुसुम्बा की जनता को एक जाहिर अपील करना चाहूँगा कि आने वाले कुसुम्बा ग्राम पंचायत के इलेक्शन में आप लोग आपका सरपंच या वार्ड प्रतिनिधि ऐसा चुने कि जो राजनीति में भी सक्रिय हो, समाज सेवा में भी सक्रिय हो और गांव के आरोग्य से लेकर राजनीति के समस्याओं को लेकर और गंदगी से की समस्याओं को लेकर और हर एक ऐसे जो छोटे मोटे सवाल आते हैं जिसके अंदर एक काम करने की उमंग हो, ऐसे प्रतिनिधि को आप चुनिए जो शिक्षित भी हो और सरकारी कचहरियों के अंदर, बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज के अंदर और जेते कचहरियों के अंदर, जेते ऑफिसों के अंदर जाके खुद बेबाक होके आप लोगों की समस्याओं को रख सके, ऐसे प्रतिनिधि को आप चुनिए। मैं आपके चैनल के माध्यम से यहाँ की जनता को एक मैसेज देना चाहूँगा। तो बहुत बहुत शुक्रिया सलीम मामा आपका वक्त देने के लिए और आपका राजकीय सफर ऐसा ही रहे, हमारी आपसे दुआ है। तो ऐसे ही और दूसरे वीडियो में हम आपको दूसरे हमारे प्रतिनिधि से मिलाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। आप प्लीज हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे ही जो हमारे सलीम मामू जैसे लोग हैं जिनकी विचारधारा है जो आप तक हम पहुंचा सके और आपका जनता का कुछ फायदा हो सके, यही हम काम करते रहेंगे इंशाल्लाह आप लोगों की दुआ और आप लोगों के सपोर्ट से।